म्यूजिक जब दिल को छू जाने वाला हो तो कदम अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं, चाहे वो ऑफ बीट ही क्यों ना जाए। म्यूजिक एक ऐसा अनुभव है जो आपके मूड को पल भर में बदल देता है। ज्यादातर नाचने गाने वाले म्यूजिक बेहद पसंद करते हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प प्रोजेक्ट को रिलीज किया है पॉप सिंगर दिलबाग सिंह ने। इस मौके पर दिलबाग ने मीडिया के साथ इंटरैक्ट किया और जब उनसे पूछा गया कि इस गाने को बनाने के पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या था, तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। मेरा जब मैं गाना कोई भी बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए। हमने जो कुछ किया है तो वो गाना जो भी मैं बनाऊँ या जो भी गाना मैं गाऊँ वो फेक नहीं लगना चाहिए, वो ओरिजिनल सा लगना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही था मेरा कि कोई भी गाना करूँ वो फेक ना हो। आइए जानते हैं उनके प्रोजेक्ट आई एम सिंह दिलबाग के बारे में। पूरे प्रोजेक्ट का नाम है आई एम सिंह दिलबाग। उसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहला, मैं अपने आपको प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आई एम सिंह दिलबाग में मैंने मेरे 6 गाने का मैंने वीडियो किया। ये अपने आप में एक नया चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नॉर्मली किसी भी पॉप सिंगर ने इतने सारे वीडियो नहीं बनाए हैं। किसी ने 3 बनाए हैं, किसी ने 4 बनाए हैं, 4 से ऊपर किसी ने भी बनाए जो मेरी नॉलेज में है, अगर मैं इफ़ आई एम राइट तो 4 से ऊपर मैंने किसी भी सिंगर का, किसी भी पॉप सिंगर का मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं। बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉप सिंगर की बात कर रहा हूँ। तो एज अ पॉप सिंगर मैंने अपने 6 वीडियो मैंने अभी रेडी कर दिए हैं, जो अपने मैं हर पर मंथ एक गाना आएगा। ये एक इट्स अ प्रोजेक्ट, आई एम सिंह दिलबाग, ये प्रोजेक्ट है मेरा, इसका नाम। और इसमें 6 गाने अलग अलग हैं और मज़े की बात यह कि हर गाना मैंने अलग कंपनी को दिया है और हर कंपनी अलग गाने को अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से प्ले करवाएगी, अपने गाने से स्टाइल से चलाएगी। और मेरा, मुझे लगता है ऐसा कि ये एक ट्रेंड चेंजर गाने होंगे, ये पॉप इंडस्ट्री में अपने आप में ट्रेंड चेंजर होगा। अपने इस प्रोजेक्ट में क्या नया ट्विस्ट ला रहे हैं दिलबाग? मोस्टली हिंदी पंजाबी मिक्स होंगे, इट्स नॉट खाली पंजाबी भी नहीं होंगे, खाली हिंदी भी नहीं होंगे और कुछ भी म्यूजिक एक जैसा भी नहीं होगा। तो ये ट्रेंडी गाने अलग अलग स्टाइल में होंगे। जब दिलबाग से पूछा गया कि यो यो हनी सिंह के साथ फ्यूचर में काम करने का उनका कोई प्लान है, तो कुछ यूं जवाब दिया दिलबाग ने। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, ही इज़ लाइक माय ब्रदर। तो हम दिल्ली के हैं दोनों, तो वो एज अ आर्टिस्ट में मेरे दोस्त हैं, मुझे प्यार बड़ा करते हैं और मुझे बहुत बार मिलते रहते हैं। पर्सनली भी मैं बहुत अच्छे, हमारी अपनी फ्रेंडशिप भी अच्छी है। पर एज सच मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं उनके साथ कोई काम करूँगा या नहीं करूँगा, अभी तक तो नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर मुझे काम करने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे उनके साथ काम करना है या मैं बड़ा क्यूरी कहूँ कि उनके साथ काम करना है। मैंने जैसा आपको बताया कि इट्स अ प्रोजेक्ट आई एम सिंह दिलबाग, मैं दिलबाग सिंह हूँ, आप मुझे देखिए, आप मेरे साथ मेरे गाने सुनिए। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन माई वर्क बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अलग कर रहा हूँ काम, और मैं बिल्कुल अलग ही कर रहा हूँ। आप सुनेंगे गाने का आपको समझ आएगा। वी होप दिलबाग आपके आने वाले प्रोजेक्ट ऑडियंस को बेहद पसंद आए। एंटरटेनमेंट डेस्क, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।